कौन क्या चाहता है, कौन क्या करेगा। हम लोग जो है जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार जो है काम कर रही है। हम लोगों ने जाति जनगणना का कमिटमेंट किया था, हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने की बात की थी, विकास मित्र प्रधानमंत्री या अमित शाह 365 दिन भी यहाँ रहेंगे तो भी इसका मुकाबला। बात समझ लीजिए, सीट शेयरिंग जो है बिहार में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और देश में 2024 में नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए, एनडीए से मुकाबले के लिए इंडिया एलायंस भी तैयार है। लेकिन ऐसे में जो विरोधी खेमा है, मतलब आप समझ रहे हैं, एनडीए के घटक दलों की बात कर रहे हैं, चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इंडिया अलायंस में तो बड़ी टूट होगी। बिहार की बात कर ले, देखिए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार घूम घूम कर नेताओं को एकजुट कर रहे थे और ऐसे में तेजस्वी यादव से जब ये सवाल पूछे गए कि इंडिया में टूट होने वाला है क्या, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातें नहीं बन रही है, करारा जवाब दिया है तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेताओं को। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा वो सुनिए। हम लोगों को इस पर एकदम ध्यान ही नहीं रहता, कौन क्या चाहता है, कौन क्या करेगा। हम लोग जो है जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार जो है काम कर रही है। जो हम लोगों ने जो वादे किए हैं उस पर हम लोग जो है खड़े उतर रहे हैं। सारी चीज़ें आप देख लीजिए, जिस प्रकार से चाहे रोजगार के सवाल पर कोई, हम तो पूछ रहे हैं उन्हीं भाजपा वाले लोगों से कि एक राज्य बता दीजिए जहाँ लाखों की तादाद में जहाँ बहालियाँ, कौन सा राज्य है जो निकाल रही है, एक राज बता दो। हम लोगों ने जाति जनगणना का कमिटमेंट किया था, हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने की बात की थी, विकास मित्र हो, कल्की मरकज हो, आशा वर्कर हो, इन सब लोगों का जो है मानदेय जो है दुगुना जो है किया गया। हर एक काम जो है हम लोग समय पर जो है कर रहे हैं और इससे बेचैनी तो होगी, क्योंकि अब भाजपा को भी लगता है कि जो महागठबंधन जो बिहार में है इसका कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। चाहे प्रधानमंत्री या अमित शाह 365 दिन भी यहाँ रहेंगे तो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आरजेडी के कई ऐसे ताकतवर या दिग्गज उम्मीदवार हैं जिनको निराशा हाथ लग सकती है। आप लोगों का देखिए कयास का बाजार भी चालू रहना चाहिए। सारी बातें पहले आ जाएंगी तो आप लोग बाकी दिन क्या न्यूज दिखाइए। तो एक बात समझ लीजिए, सीट शेयरिंग जो है बिहार में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अरे जब विधानसभा में 2015 में जब ज्यादा सीटें थी तब बड़ी आसानी से कर लिया गया, ये तो 40 सीटों की बात है, तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कत वहाँ होने वाला है जो लोग कूद कूद करके गए हैं या जिनको ले गया गया है, वहाँ कौन किसको क्या करेगा पहले आप लोगों को पे तो उस पे जो है बातें करनी चाहिए। सर गिरिराज सिंह ने कहा है। तो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। तेजस्वी यादव ने इंडिया अलायंस में टूट की बातें करने वाले लोगों को करारा जवाब दिया है, बोलती बंद कर दी है। साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा में इतनी सीटें थी तो हम लोगों ने आसानी से कर लिया, लोकसभा में तो मात्र 40 सीट है ना बिहार में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद।